ओके सो हाय गाइस, तो चलिए जी एक बार फिर से स्वागत करता हूँ आप सभी लोगों का अपने इस YouTube चैनल पे जिसका नाम है नेट मैकेनिक्स। तो कैसी है मेरी YouTube फैमिली। तो फाइनली दोस्तों 2.2 अपडेट के पहले एपिसोड में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूँ। जी हाँ, BGMM पबजी मोबाइल के अंदर आने वाले अपडेट में आप लोगों को कौन से नए फीचर्स देखने के लिए मिलने वाले आज की इस वीडियो में आपको पता चलने वाला है। एंड ट्रस्ट मी गाइस, एक से बढ़ के एक फीचर आप लोग देखोगे ना, मज़ा आ जाएगा आप लोगों को, सच बता रहा हूँ। और आपको पता है कि अभी अपना गेम जो है वो BGMM प्ले स्टोर एंड ऐप स्टोर के ऊपर से हटा हुआ है, जो कि एक बहुत ही ज़्यादा मतलब बोले तो भाई ऑब्वियसली उदास कर देने वाला बात है। बट दोस्तों कोई ना, अपना जो गेम है वो आप लोगों को बहुत जल्द प्ले स्टोर के ऊपर वापस आ जाएगा। जी हाँ, तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले वीडियो को लाइक नहीं किया तो से लाइक कर दो, एंड आप लोगों का फेवरेट फीचर कौन सा है मेरे को कमेंट करके बताना। एंड चैनल पे पहली बार आए हो तो प्लीज दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दें। तो चलिए दोस्तों आज के अपने पहले फीचर के बारे में बात करते हैं, जो कि दोस्तों एक नए तरीके का व्हीकल है जो आप लोगों को एरेंगल के अंदर स्पेशली देखने के लिए मिलेगा, जिसका जो नाम बताया जा रहा है वो है बोबो कार। आप देख पा रहे हो दोस्तों, इसमें आप लोगों को यहाँ पे पहिया वगैरह नहीं मिलता है। अब दोस्तों आप लोगों को ये कहीं पे भी रैंडमली स्पॉट हो जाएगा और आप इसको बड़ी आसानी से दोस्तों जो है वो ड्राइव कर सकते हो। जी हाँ, जॉयस्टिक की मदद से आप इसको जो वो कंट्रोल भी कर सकते हो बड़ी आसानी से। देख पा रहे हो तो यहाँ पे आप लोग देख पा रहे कि कुछ इस तरीके का आप लोग को ये देखने के लिए मिल जाता है। देख पा रहे हो भाई, अंदर में घुस गया, इसके अंदर आप लोग दो लोग बैठ सकते हो बड़ी आसानी से, और बहुत ही ज़्यादा फ्यूचरिस्टिक फीचर है। और आप लोग देख पा रहे हो कि भाई अभी ये करंटली गेम फॉर पीस के अंदर ऐड हो चुका है, एंड आपको पता है जो चीज़ें गेम फॉर पीस के अंदर आती है वो पबजी के अंदर आती है और बाद में घूम के BGMI के अंदर भी आ जाती है। तो यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हो कि भाई कुछ इस तरीके का ये आपको ओवरव्यू देखने के लिए मिलता है। यहाँ पे देख पा रहे हो भाई येलो है ऊपर में, आप लोग देख पा रहे हो पूरा व्हाइट कवच है इसका, ठीक है। तो अभी आप लोग देख पा रहे हो कि यहाँ पर मैं सिंगल जो बैठ के इसको ड्राइव कर रहा हूँ, और भाई यहाँ पे आपका एक बटन है, जैसे आप इसके ऊपर प्रेस करते हो अगर आपको कुछ यहाँ पे उछलना है, मतलब कोई सामने में आ जाता है आपको जंप मारना है, तो आप बड़ी आसानी से मार सकते हो। एंड अगर आप इसके ऊपर फायर करते हो तो भाई ये ना आपका ब्लास्ट भी कर जाता है। ऐसा नहीं है कि आप ब्लास्ट मारोगे तो भाई ये कुछ नहीं होगा, बहुत ज़्यादा फायर करोगे तो ये आपका ब्लास्ट हो जाएगा, और ब्लास्ट होने के बाद कुछ इस तरीके का लगता है। जी हाँ, उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आगे बात करूँ तो यहाँ पे आप लोग का एक और इंटरेस्टिंग फीचर आने वाला है दोस्तों, जिसके बारे में मैं आपको अभी बता देता हूँ, जो कि है दोस्तों आप लोगों का ना एक तरीके से आप बोलो ये एक नए तरीके का आप लोग बोलो कि ग्रेनेड है। जी हाँ, अब दोस्तों इससे क्या होगा ना दोस्तों, कि अगर आप ये जो ग्रेनेड है ना, अगर ये किसी के ऊपर मतलब थ्रो कर देते हो, जी हाँ मान के चलो सामने में मेरे एक बंदा है दोस्तों, अब यहाँ पे मैं इस ग्रेनेड को ना बंदे के ऊपर फेंकता हूँ, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे मैं फेंकूंगा ना, तो वो भाई जो है वो इतना ज़्यादा डैमेज उसको लगेगा ना, एक तरीके से वो जल जाएगा, ठीक है। देख पा रहे हो भाई, मतलब उसके ऊपर चिपक जाता है ये, ठीक है। उसके अगर कार वार पे मार दोगे, अगर चलती हुई बंदा उसमें बैठा हुआ है, तो भाई ये कार को इतना ज़्यादा डैमेज देगा ना कि कार जो है वो ब्लास्ट हो जाएगी। जी हाँ, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हो कार के ऊपर मैंने थ्रो कर दिया, एंड यहाँ पे कार जो है वो दोस्तों जल रही है। जी हाँ, आप लोग देख पा रहे हो, मतलब एक तरीके से लग रहा है कि अनार फूट रहा है। जी हाँ, दिवाली में जैसे हम लोग फोड़ते हैं ना, तो देख पा रहे हो यहाँ पर भाई कुछ सेकंड्स भी ऊपर में चल रहा है और भाई यहाँ पे अपनी कार जो है ब्लास्ट हो गई, ठीक है। अगर चलती हुई व्हीकल पर अगर आप लोगों ने फेंक दिया तो भाई बंदे की तो वाट लग जानी है, अगर वो नहीं उतरेगा तो, ठीक है। अब यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग फीचर है जो कि एक तरीके से आप लोग को रैंडमली दोस्तों कहीं पर भी स्पॉट हो जाएगा। जी हाँ, एक तरीके से आप इसको कंपेनियन बोल सकते हो, जो आप लोगों को गेम के अंदर ही रहेगा सिर्फ। जी हाँ, जब भी आप गेम खेलोगे अगर आप इसको उठाते हो, जी हाँ पिक करते हो, तो यहाँ पे आप लोग को इसको सिलेक्ट करना है, एंड यहाँ पे एक येलो कलर का आइकन होगा, जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करोगे ना, बेसिकली यूज का आइकन होता है, तो ये आप लोगों का ना कंपेनियन एज कंपेनियन पूरे गेम में आपके साथ रहेगा, और आपको ये आपके ये टीममेट को भी देखेगा। जी हाँ, सबसे अच्छी बात है, ठीक है। जैसे कि अभी आप लोगों का होला बडी का था, तो उसमें आप लोगों को कैट वगैरह मिला था, उसका शिवा एनियू का डॉग था, और भी कई सारी बिल्ली बिल्ली का कंपेनियन था, आपको पता है। तो वैसे ही दोस्तों यहाँ पे सिमिलर कंपेनियन है, और यहाँ पे भाई इमोट भी ये करता है, देख पा रहे हो भाई कमाल का इमोट करता है, देख पा रहे हो, मज़ेदार दोस्तों ये फीचर है। मतलब जैसे कि फैल्कन वगैरह आपका रहता है ना, वैसे ही सिमिलरली आपको पूरे गेम में ये देखने के लिए मिल जाएगा, एंड आप इसके साथ भाई जो फुल मज़े कर सकते हो। आपके पीछे पीछे ये भागेगा, जैसे कि दोस्तों आप कोई भी यहाँ पे कंपेनियन होता है वो आपके पीछे पीछे चलता है, साथ में ही रहता है आप लोगों के, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हो, यहाँ पर दोस्तों आप लोग जो इसके साथ काफ़ी ज़्यादा मस्ती कर सकते हो, एंड आपके टीममेट भी इसको बड़ी आसानी से देख सकते हैं, जो भी मतलब ये है ना, मतलब एनिमी वगैरह वो भी ये दिखेगा, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे एक बटन है येलो वाला, उसके ऊपर जैसे प्रेस करो ये बाय बोलेगा, एंड ये आपके बैकपैक के अंदर चला जाएगा। जी हाँ, इसके अलावा यहाँ पे दोस्तों आपको ये फीचर कैसा लगा प्लीज़ मेरे को कमेंट करके बताओ। इसके अलावा यहाँ पर आप लोग का एक और फीचर है, एक तरीके से आप इसको रॉकेट लॉन्चर बोल सकते हो। जी हाँ, रॉकेट लॉन्चर टाइप का फीचर है। अगर आप इसको यहाँ पे दोस्तों मतलब एक तरीके से नीचे ज़मीन में फेंक करके आप इसको यहाँ पे जैसे यहाँ पे पिक करोगे, एंड यहाँ पे इसको अगर आप यूज़ पे क्लिक करोगे ना, तो ये एक तरीके से रॉकेट लॉन्चर टाइप का बन जाता है। अब दोस्तों इसमें ना आप खुद को मतलब एक तरीके से फिट करा के, जी हाँ, और आप एक जगह से दूसरे जगह पर जा सकते हो। जी हाँ, आप लोग देख पा रहे हो मैं अंदर घुस चुका हूँ, एंड यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हो कि जॉयस्टिक की मदद से यहाँ पर आप जहाँ पे नहीं चढ़ सकते हो वहाँ पे भी चढ़ सकते हो। जी हाँ, बड़ी आसानी से इसकी मदद से। तो देख पा रहे हो यहाँ पर मैं अंदर इसके अंदर चला गया हूँ, एंड यहाँ पर जैसे ही मैं ये वाला बटन को प्रेस करूँगा ना, मैं फट से जो है वो एक तरीके से उड़ के जो है वो जाने लगूंगा, जैसे कि आप लोग देख पा रहे हो। तो यहाँ पर मैं कहीं ना कहीं फेल्ड हो गया जाने में, ठीक है, लेकिन अब अगर आप ध्यान से करोगे जी हाँ आप लोग, तो आप लोग बड़ी आसानी से जहाँ जाना चाहते हो वहाँ पर जा सकते हो। तो देख पा रहे हो दोस्तों, ये आपको जोन में जाने में बहुत ज़्यादा मदद करेगा अगर आप लोग लास्ट जोन में फंस जाते हो। तो यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हो मैं फिर से इसके अंदर आ चुका हूँ, एंड यहाँ
यहाँ पे जैसे ही मैं प्रेस करूंगा ना, जी हाँ, अभी आप लोग देखोगे कि यहाँ पे जो है वो मैं देख पा रहा हूँ, यहाँ पर आप लोग आ नहीं सकते हो, पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पे दोस्तों ये यहाँ पे मैं आ चुका, जैसा कि आप लोगों का स्पाइडरमैन वाले मोड में आया था ना दोस्तों, ये वाला, ठीक है। तो वह वैसा ही कुछ सिमिलरली, मतलब वैसा ही लग रहा है, जी हाँ, एक जगह से दूसरी जगह तक आप जा सकते हो, ठीक है। एंड बाद में दोस्तों आप इसको फिर से इक्यूब करके भी कर सकते हो, उसके बाद यहाँ पे आप इसको फोड़ भी सकते हो ताकि कोई एनिमी वगैरह नहीं देखे, ठीक है। तो कैसा लगा आपको ये फीचर मेरे को कमेंट करके बताना। इसके अलावा आगे बढ़ूँ तो यहाँ पे दोस्तों मैं आप लोगों को एक इंटरेस्टिंग चीज़ दिखाना चाहता हूँ, जो कि है दोस्तों आप लोगों का एक तरीके से आप इसको बोल सकते हो तीर कमान। जी हाँ, अगर मैं आप लोगों को बोलूँ तो यहाँ पे आप लोगों को एक तीर कमान देखने को मिलेगा, और ये बहुत ज़्यादा चांसेस है कि ये इस बार 2.2 अपडेट के अंदर आने वाला है दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हो कि मैं इसका आप लोगों को थोड़ा बहुत ओवरव्यू दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हो भाई कि आप जो है वो किसी भी बंदे के ऊपर भी दोस्तों यहाँ पे जो तीर कमान से जो है वो एक तरीके से हमला कर सकते हो, जी हाँ, किसी भी चीज़ के ऊपर। तो देख पा रहे हो दोस्तों यहाँ पे मैं जो है वो आप लोगों को दिखा रहा हूँ, तो देख पा रहे हो यहाँ पे दोस्तों जो है वो थोड़ा सा यहाँ पे थोड़ा लैग ही चल रहा है गेम प्ले, बट कोई ना। तो यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हो कि सामने में एक व्हीकल है, जैसे इसके ऊपर मैं यहाँ पे तीर कमान छोड़ता हूँ तो यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हो कि बेसिकली उसमें जाके अटैक कर रहा है, ठीक है। तो कहने के दोस्तों बहुत इंटरेस्टिंग, और भाई यहाँ पे जो है वो साउंड भी आता है, ठीक है, देख पा रहे हो यहाँ पर मैं चला रहा हूँ, और आप इसको बंदे के ऊपर भी बड़ी आसानी से मतलब जो है वो अटैक कर सकते हो, ठीक है। तो कहने के ये भी एक इंटरेस्टिंग फीचर, और भाई ब्लास्ट भी कर जाएगा गाड़ी, ठीक है। तो कैसा लगा मेरे को कमेंट करके बताओ। इसके अलावा यहाँ पर आप लोगों का एक एसी वैल नाम का गन आने वाला है, जी हाँ, आपको पता है आप लोगों का एक नया गन आया था AMR करके, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों 2.2 अपडेट के अंदर आप लोगों को एक एसी वैल करके गन, एक नया गन, ये 90% कन्फर्म कि आएगा, जी हाँ। एंड यहाँ पे दोस्तों आप लोगों को इसमें सप्रेसर वगैरह लगाने का भी जरूरत नहीं पड़ता, जैसे VSS में आप लोगों का डिफॉल्ट लगा रहता है ना, तो वैसे ही दोस्तों आप इसमें जो बड़ी जान इसे लगा सकते हो। बाकी कुछ यहाँ पे अटैचमेंट वगैरह आप यहाँ पे इसके अंदर लगा सकते हो, ग्रिप वगैरह, एंड इसको अब बड़ी आसानी से चला सकते हो, ठीक है। तो काफी इंटरेस्टिंग गन है, आपको पता है 2.1 में यहाँ पे आप लोगों का AMR गन है, जो कि एक दोस्तों स्नाइपर गन है, ठीक है, स्नाइपर राइफल है। तो ये वाला गन दोस्तों आप लोगों को 2.2 अपडेट के अंदर मोस्ट प्रोबेबली देखने के लिए मिल जाएगा, ठीक है। तो आप लोग इस गन के लिए एक्साइटेड हो या फिर नहीं हो मेरे को कॉमेंट करके बताना। आप दोस्तों ये लोग ना हर अपडेट में नया ना मतलब जो है वो गन वगैरह मतलब चेंज करके ये लोग जो वो ला रहे हैं, ठीक है। तो कैसा लगा आप लोगों को ये फीचर मेरे को प्लीज आप लोग कमेंट करके बताना। अब दोस्तों यहाँ पे वीडियो में आगे बढ़ूँ तो सबसे पहले इस जितना भी यहाँ पे जो लीक्स है इसका क्रेडिट ऑल अबाउट टेक को जाता है, तो इनके चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। अब अल्टीमेटली मैं आप लोगों को एक इंटरेस्टिंग फीचर बताना चाहता हूँ जो कि बहुत ही तगड़ा है, जो कि है दोस्तों आप लोगों का सेल्फ रिवाइव किट। अब दोस्तों ये अगर आपके बैकपैक में अगर आप लोगों ने इसको लूटा है ना, तो अगर आप लोग फर्स्ट या सेकंड जोन में हो तो अगर आपको कोई बंदा मारता है, अगर आपके ये बैकपैक में है, तो आपको दोस्तों किसी को रिवाइव करने के बोलने की ज़रूरत ही नहीं है, आपको अपने टीममेट को बोलने की ज़रूरत नहीं है, आप खुद से ही रिवाइव हो सकते हो, जी हाँ। तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे हो कि मेरे बैकपैक में ये पड़ा हुआ है, यहाँ पर मैं दोस्तों मर गया, एंड यहाँ पर जैसा कि आप लोग देख पा रहे हो मैं खुद से रिवाइव हो रहा हूँ, देख पा रहे हो, यहाँ पर मेरे को कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, और ये आपका लास्ट के जोन में काम नहीं करेगा, जी हाँ। अगर आप सोच रहे हो लास्ट के जोन में आप मर रहे हो एंड सेल्फ रिवाइव किट से आप दोस्तों जो है वो खुद को रिवाइव करना चाहते हो, तो ये काम नहीं करेगा, ठीक है। और ये आप लोग का 100% जो वो 2.2 अपडेट के अंदर आ रहा है दोस्तों, बहुत ज़्यादा चांसेस है, ठीक है। तो उम्मीद है दोस्तों आप लोगों को ये सारे ही फीचर्स पसंद आए होंगे। आप लोगों को कौन सा फेवरेट फीचर है, जी हाँ, कमेंट करके बताना आप किसके लिए एक्साइटेड हो, ठीक है। तो उम्मीद है दोस्तों वीडियो आपको पसंद आएगा, वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब करना। मैं आपसे मिलूंगा किसी न्यू एक्साइटिंग वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे एंड बाय बाय।